अगर उसको बात करते हैं एचएफसीएल लिमिटेड की, 27.60 रुपए का स्टॉक हो चुका है, 15% के आसपास की ग्रोथ हमें देखने को मिली थी फ्राइडे को। इससे पहले स्टॉक हमारा लगातार न्यूट्रल जोन में बना हुआ था। तो कुछ बड़ी खबरें हमारे सामने आई हैं एचएफसीएल को लेकर के। एक सवाल है यहाँ पर कि क्या एचएफसीएल को बाय करना चाहिए एट दिस पॉइंट या नहीं। अगर बाय करते हो तो कितना टारगेट लेकर के चलो, क्या ये स्टॉक को पेनी स्टॉक की तरह देखना सही होगा या नहीं, सब कुछ बात करेंगे एकदम डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला, एक दिन की यहाँ पर रैली आई, फ्राइडे को बहुत अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिली 14-15% के आसपास की। उससे पहले स्टॉक हमारा लगातार डाउन ट्रेंड में या फिर न्यूट्रल जोन में बना हुआ था। यही एक चीज आप यहाँ पर डेली चार्ट पैटर्न पर भी देख सकते हो कि काफी टाइम से जो स्टॉक है हमारा वो लगातार डाउन ट्रेंड में ही बना हुआ है। लगातार स्टॉक में गिरावट हुई है, लगातार एक अपनी जो हाई बनाया था इस स्टॉक ने वहां से लगातार 39-40 रुपीज के आसपास से लगातार गिरावट हुई है स्टॉक में। अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है, ऐसी कौन सी खबर आई है कि यहाँ पर एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एचएफसीएल काम क्या करता है। टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स में काम करते हैं ये लोग, टेलीकॉम केबल्स बनाते हैं, और टेलीकॉम इंडस्ट्री के जो हालात हैं इस समय पर वो खराब चल रहे हैं। बट एक जो यहाँ पर एक अच्छी खबर जो सामने आई थी पिछले दिनों वो ये थी कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगर आप वोडाफोन को देखो, एयरटेल, टाटा टेली सर्विसेज हो गया, और भी जो छोटे बड़े हमारे जियो हो गया, टेलीकॉम इंडस्ट्री है, वहां पर बड़ी खबरें आना शुरू हुई हैं कि 5G लॉन्च करने की तैयारी चल रही है और टावर्स को रिफार्म किया जा रहा है। वोडाफोन केरला के और उड़ीसा के कई सर्कल्स में अपने नए टावर्स लगा रहे हैं। इसके साथ साथ ही आप जानते हो कि अगर टावर्स लगाए जाएंगे तो वायरिंग का भी काम होगा, केबल्स भी लगाए जाएंगे वहां पर, और उसी का बेनिफिट है कि एचएफसीएल यहां पर तेजी से बढ़ा है। एक चीज देखो, खरीदने से पहले खरीदना है या नहीं खरीदना है, तो एक चीज आपको देखना होता है यहाँ पर कि स्टॉक ने किस तरह से कंपनी परफॉर्म करती आ रही है। मार्च में 668 करोड़ का प्रॉफिट, लगातार कंपनी ने अच्छे प्रॉफिट घोषित किए हैं। जून में 703 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 1060 करोड़ का, उसके बाद 1281। प्रॉफिटेबिलिटी ही नहीं, यहाँ पर मार्जिन भी बढ़ा है और साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगातार 173 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिसंबर में दिखाया था। मार्जिन भी बढ़ा है, मार्जिन का मतलब होता है कि एक रुपए पे आप कितना परसेंट कमा रहे हो, कितना परसेंट आपका प्रॉफिट है। तो लगातार मार्जिन में भी ग्रोथ देखने को मिली है, 11.34, फिर 12.67, फिर 13.53%, 1% के आसपास की यहाँ पर ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो रही है। आप ये भी देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है हमारी, तो क्वार्टरली ग्रोथ अच्छी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा है, तो एक हरी झंडी तो यहाँ से मिल जाती है कि हाँ खरीदारी की जा सकती है। दूसरी अगर हम बात करें तो देखो, दूसरी जो खबर है हमारे सामने वो ये है कि स्टॉक ने एक साल में 124% 125% का आपको रिटर्न दिया है। लगातार पिछले साल भी लॉकडाउन था, दोबारा से लॉकडाउन लगाया गया है, लगातार यहाँ पर अच्छी बुरी दोनों तरह की खबरें थी, बट उसके बावजूद भी एचएफसीएल ने एक अच्छी परफॉर्मेंस किया। मार्केट हालांकि अंडर प्रेशर ही परफॉर्म करा है, बट उसके बावजूद भी HFCL एक अच्छा प्रदर्शन, एक अच्छा रिटर्न दिया है आपको, तो ये एक अच्छी खबर है। 124% का रिटर्न, यहाँ से दूसरी हरी झंडी दिखाई देती है कि हाँ यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। तीसरी बात करें तो म्यूचुअल फंड ने भी अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है, साथ ही साथ यहाँ पर FII FPI ने भी अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किया है, जो कि एक अच्छी खबर है हमारे सामने। FII FPI में शेयर होल्डिंग को 1% मतलब 0.5% के आसपास इंक्रीज किया है यहाँ पर, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। छोटे स्टॉक में अक्सर FII FPI इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, पर उसके बावजूद भी यहाँ पर FII FPI ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये एक अच्छी खबर है। तो इसको देख करके भी लगता है कि स्टॉक में जान बाकी है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एक और जो चीज आपको देखनी होती है कि पब्लिक की शेयर होल्डिंग कितनी है, 55% से ज्यादा की पब्लिक की शेयर होल्डिंग है, जो कि चौथा अच्छा साइन होता है। इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए 2%, 3%, 5% ही पब्लिक की शेयर होल्डिंग है, तो जैसे ही आपने पैसा डाला, प्रमोटर्स ने शेयर डाइल्यूट कर दिए और शेयर्स बढ़ गए, जो शेयर प्राइस रह गया वो वहीं का वहीं रह गया, बढ़ा ही नहीं वो। तो इसी सिचुएशन में ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाना थोड़ा सा कम प्रॉफिटेबल होता है। यहाँ पर FII म्यूचुअल फंड और पब्लिक के शेयर होल्डिंग को अगर देखा जाए तो काफी अच्छी इनकी पकड़ है। प्रमोटर्स के बाद मात्र 42% है, जो कि काफी ठीक है, मतलब बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक यहाँ पर है। और मुझे नहीं लगता कि प्रमोटर्स इसमें से बहुत ज्यादा शेयर डाइल्यूट करने के पक्ष में होंगे। तो HFCL को बाय किया जा सकता है, बिल्कुल एक अच्छा स्टॉक है आपके सामने। एक चीज आपको जो देखनी है वो ये कि मार्केट लगातार अंडर प्रेशर परफॉर्म कर रहा है, और ऐसे में अगर आप खरीदारी करते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री मत लेना, लॉन्ग टर्म के लिए आना हो तो भी आना, वरना यहाँ पर एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। हालांकि इस समय पर DII बहुत अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। DII को देखो, 1695 करोड़ का माल खरीदा था पिछले दिनों उन्होंने, और ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए। FII ने बिकवाली जरूर की थी, बट वहां से भी अच्छी खबरें आ रही हैं।
ग्लोबल मार्केट इस समय पर नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है और यही एक वजह है कि एफआईआई एफपीआई इस समय पर बेच रहे हैं माल को। बट इससे घबराना नहीं है, डीआईआई अगर खरीदारी कर रहे हैं और स्टॉक आपका अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं आपके स्टॉक के और उसका जो एक विजन है, विजन अच्छा है, तो आप यहां से प्रॉफिट कमा सकते हो। और जिस तरह से 5G को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है, ऐसे में टेलीकम्युनिकेशन को सपोर्टिव इंडस्ट्री जो होती है, डिपेंडेबल जिसे कहा जाता है, डिपेंडेबल इंडस्ट्री जो होती है हमारी, उनमें अच्छा खासा मुनाफा आप इस स्टॉक में कमा सकते हो। तो इसीलिए एक तो लंबे समय के लिए होल्ड करना हो तभी खरीदना इसमें, दूसरा कि आप इसमें पैसा कितना डालोगे। देखो पैसा उतना ही डालना, 10% ऑफ योर टोटल कैपिटल, 10% से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा 10% इससे कम आप डाल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 10%। छोटा स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, एक अच्छा बेहतरीन रिटर्न आपको इस स्टॉक से मिल सकता है, बट एट द सेम टाइम रिस्की भी है, तो रिस्क भी आपको मैनेज करके चलना है। यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। HFCL एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के लिए, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको बनेगा। बीते दिनों आप एक सपोर्ट लेकर के चल सकते हैं 23 रुपए का, यहाँ से स्टॉक हमारा ऑलरेडी बुलिश जोन में आ चुका है लगातार, और एक अच्छा यहाँ पर RSI भी है, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है, प्राइस मोमेंटम काफी बेहतरीन है। यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है हमारा, वो टारगेट है एट दिस पॉइंट यहाँ पर 29 रुपए का हमारा टारगेट होने वाला है अगला। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, मुझे लगता है कि हफ्ते में या फिर नेक्स्ट वीक में 29 रुपए का हमारा टारगेट जाएगा। परसेंटेज वाइज देखोगे तो काफी बड़ा है ये 3 रुपए का गैप, और अगर नंबर वाइज देखोगे तो कम लग सकता है, बट हाँ परसेंटेज वाइज काफी ज्यादा गैप है यहाँ पर। तो एक अच्छी खरीदारी का मौका है आपके सामने, HFCL एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना, शॉर्ट टर्म के लिए मत करना। 29 रुपए का इस वीक का हमारा टारगेट रहेगा, इस वीक और नेक्स्ट वीक में भी डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। एंड इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी प्लीज कमेंट करके शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए भी न मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक